टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। मुमरा फेस्टिवल 2022 एनसीपी के ठाणे जिला यूटी अध्यक्ष पल्लवी जगताप ने मुमरा के मित्तल ग्राउंड में मिस मुमरा फेस्टिवल 2022 प्रोग्राम का आयोजन किया है। 24 फरवरी शाम 8 बजे से शुरू होगा। लगभग 15 दिन प्रोग्राम चलेगा। हर रोज कुछ नया होगा, खासकर यूथ के लिए कल्चरल प्रोग्राम होगा। हम जानते हैं इस मुमरा फेस्टिवल प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर पल्लवी जगताप से क्या जानकारी दी है, सुनिए आप। मैडम, आज आपने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, और किस मुद्दे पे रखा था, आपका मुख्य मुद्दा क्या है? हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब के संकल्पना से मुमरा में मुमरा फेस्टिवल होने जा रहा है। हाँ। जिसमें हमारे मुमरा के सारे नेतागण हैं, उन सबका सहयोग है। हमारे सैयद अली भाई साहब, शमीम खान साहब, आनंद परंजपे साहब, नजीब मुल्ला साहब है, शानू पठान साहब है, और हमारी रुता आवाड़ मैडम जो हमेशा इन सब टैलेंट और इन सब चीज़ों के लिए आगे रहती है। तो इन सबका सहयोग है, और इन सबके माध्यम से राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस मुमरा में पहली बार मुमरा फेस्टिवल का आयोजन करने जा रही है। फेस्टिवल में जैसा जिस जगह पे हम खड़े हैं, इसी जगह पे प्रोग्राम होने वाला है, कितने दिन चलने वाला है और कहाँ कहाँ के लोग यहाँ आने वाले हैं, और किस प्रकार से यहाँ पर जो है जिस तरह से स्टॉल देखा जा रहा है, वो झूला देखा जा रहा है, आपके पीछे झूला दिखाई दे रहा है, तो मतलब किस प्रकार से यहाँ पर जो है सजावट होगी और उसके बाद लोग यहाँ आएंगे, कौन कौन से लोग आएंगे, क्या है? कल 24 फरवरी से मुमरा फेस्टिवल की शुरुआत होने वाली है। शाम को 6 बजे से रात को 11 बजे तक मुमरा फेस्टिवल यहाँ पे शुरू होगा। लोगों की एंट्री शुरू होगी। यहाँ पे कम से कम 50 स्टॉल्स है, फूड स्टॉल्स है, जहाँ पे अलग अलग तरीके के रेसिपीज लोगों को चखने के लिए मिलने वाली है। और ये जो स्टेज आप देख सकते हो, जो बड़ा सा स्टेज लगा है, यहाँ पे अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम्स है, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स है। जैसे मिस मुमरा जो मुमरा में पहली बार हो रहा है, जो 18 से ऊपर और 30 साल की जो लड़कियाँ हैं उनके लिए मिस मुमरा का आयोजन हमने किया है। फिर मेकअप कॉम्पिटिशन है, जिसमें हमने ब्राइडल लुक और रॉयल पार्टी लुक, ऐसे दो लुक हम लोगों ने रखे हैं। फिर छोटे बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन है, उसमें ओपन ग्रुप भी हमने रखा है, कि ना कि सिर्फ ये छोटे बच्चे, 4th स्टैंडर्ड, फिर 7th स्टैंडर्ड और ओपन ग्रुप, ऐसे 3 कैटेगरी में ड्राइंग कंपटीशन है। और इसमें डांस कंपटीशन भी होने वाला है, जो सोलो है वो अलग से है, ग्रुप डांस के लिए भी अलग से कॉम्पिटिशन है, मेहंदी कॉम्पिटिशन है। इसके पहले मुमरा में 2 बार मेहंदी कॉम्पिटिशन हो चुका है और उनको बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन, नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन मिले हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि मुमरा के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम में आएंगे और ये एंजॉय करेंगे। मैडम, जो आपने बताया, जो बहुत सारी चीज़ें बताई जो है यहाँ पर होने वाला है, लेकिन ये मतलब ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है या जेंट्स जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है उनके लिए भी है? ये स्पेशली यूथ के लिए है, ये सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए ऐसा नहीं है, ये सबके लिए है। अभी डांस कॉम्पिटिशन है जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ये ओपन टू ऑल है। कुकिंग कॉम्पिटिशन है, मेकअप कॉम्पिटिशन सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, इसमें लड़के भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसका स्पेशल अट्रैक्शन है वुमेंस डे और कवाली होने वाली है। अच्छा। वुमेंस डे हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट हम लोग करने वाले, एक अच्छा मौका मिला है। ये कितने दिन चलेगा प्रोग्राम? ये प्रोग्राम कम से कम 15 दिन का पूरा हम लोग का शेड्यूल है। हर दिन कुछ अलग अलग होने वाला है? जी जी, रोज अलग अलग कॉम्पिटिशन, अलग अलग प्रोग्राम्स होने वाले हैं, जिसके हम लोगों ने चारों तरफ बैनर्स भी लगाए हैं, जो आप बाहर की तरफ देख सकते हो। और एडवर्टाइजमेंट इसका हम लोगों ने अच्छे तरीके से किया है और आपके माध्यम से भी हम लोग कर रहे हैं। स्पेशलिटी ये है कि 2nd of March को यहाँ पे कवाली होने वाली है। अच्छा। तो इसके कवाल है जो गुलजार नाजा साहब, वो खुद आने वाले हैं। तो मैं आशा रखती हूँ कि लोग इसका अच्छे से इसको एंजॉय करेंगे। और वुमेंस डे सेलिब्रेट जो, वो एक दिन हम लोगों ने महिलाओं के लिए रखा है। पार्टिसिपेट के लिए कैसे आप लोगों से, मतलब लोग ज्वाइन होंगे कैसे, आप लोगों से संपर्क करेंगे, उसके लिए क्या पर्याय है? पार्टिसिपेशन के लिए हम लोगों ने नंबर्स प्रोवाइड किए हैं, जो सारे बैनर्स पे आ चुके हैं, एडवर्टाइजमेंट में भी आ चुके हैं। आपको सिर्फ उस पर कॉल करना है, अपना नाम, अपना जिस कॉम्पिटिशन में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो उसका नाम बताना, और अपना आपका नाम रजिस्टर हो जाएगा। मैडम देखिए, इस तरफ आपने बताया ये स्टेज है और काफ़ी बड़ा मतलब दायरे में जो है आपका प्रोग्राम होने वाला है, तो आगे और क्या है ऐसे? आगे हम लोगों ने रोलर कोस्टर है, जैसे मौत का कुआं रहता है, या झूले जो आपको आप अभी देख सकते हो, ये सब हम लोगों ने बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सबके लिए रखा है। हालांकि पिछले 2-3 सालों में मुमरा में ऐसा कुछ हुआ नहीं है कोविड की वजह से,
हर कोई अपने घर में या हर कोई नियमों के दायरे में है। अब थोड़ा कोविड कम हो गया है और मुमरा को एक जगाने के लिए हम लोगों ने ये फेस्टिवल रखा है। क्या कहेंगे मुमरा कोसा वासियों को इस प्रोग्राम को लेकर? मैं आपके माध्यम से सबको अपील करना चाहती हूँ कि हमारे मुमरा में बहुत सारा यंग टैलेंट है। उस टैलेंट को उभरने के लिए, उसको बाहर आने के लिए हम लोगों ने ये फेस्टिवल का आयोजन किया है। तो जो भी यंग है, जो यंग टैलेंट हमारे मुमरा में है, वो यहाँ पर दिखे और अब ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आए और पार्टिसिपेट करें। जो लोग आएंगे वो जिस तरह से देखा जा रहा है कोरोना जो है महामारी थी अभी कम हुई है, लेकिन आप किस तरह से बर्ताव करेंगे यहाँ पर, वो लोग किस तरह से मतलब आना चाहिए, गाइडलाइन आप लोगों की तरफ से क्या है, सुरक्षित जो लोग आएंगे वो रहेंगे उनके लिए? आप देख सकते हो हमारे हर एक बैनर पे हमने नो मास्क नो एंट्री लिखा है। आपको कंपलसरी मास्क के साथ ही आना है। हम लोग यहाँ पर सैनिटाइजर भी प्रोवाइड करने वाले हैं, तो आप जैसे आओगे आपको विदाउट अगर मास्क आप आओगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी लोगों से कि आप प्लीज़ मास्क पहन कर आए। हम लोग यहाँ पर मास्क भी प्रोवाइड करने वाले हैं सबके लिए कि उनको वापस भी ना जाना पड़े, और सोशल डिस्टेंस का हम लोग ख्याल रखेंगे। कल 24 तारीख को ठीक शाम को 8:30 से 9 बजे के बीच में मुमरा फेस्टिवल की ओपनिंग होने वाली है। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आए और मुमरा फेस्टिवल का लाभ उठाएं।